सो गाइस, अभी हरिद्वार हम लोग गए थे और हरिद्वार में स्नान किए, गंगा मैया में स्नान किए और आरती भी सुबह का मिल गया हम लोग को। अभी हरिद्वार का कुछ बाहर का व्यू है, आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। सुबह 4 बजे के भोर में, यानी कि हम लोग 2 बजे के रात के करीब में आए थे और 2 बजे भी लाखों की संख्या में भीड़ लगी थी। अभी भी यहाँ पे लोग आरती श्रद्धालु है वो देख रहे हैं और यहाँ पे भगवान शंकर की एक प्रतिमा है जो कि काफ़ी भव्य है, आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी भव्य प्रतिमा यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे गंगा मैया है जो कि इसमें लाखों लोग आज सुबह हमारे सामने स्नान किए और वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाया। अभी हम लोग नीलकंठ की तरफ जाएंगे और वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये दोस्तों नीलकंठ का व्यू, पहाड़ों के बीच से हम लोग जा रहे हैं और मंदिर के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं। लाइव दर्शन कराने का प्रयास करूंगा बिकॉज बहुत मेहनत लग रहा है ऊपर जाने में और आप लोग को मैं इतना कष्ट देना नहीं चाहता हूँ। आप लोग भी आए और दर्शन करें। सो गाइस, यहाँ पे झरना का पानी काफी अच्छे तरीके से बह रहा है और इस झरना का पानी का यूज करके यहाँ पे सतन भाई अपने ड्रीम कार यानी कि अपनी लक्ष्मी बाई को धो रहे हैं। सो फाइनली गाइस, हम लोग प्रसाद ले चुके हैं और नीलकंठ भगवान को चढ़ाने जा रहे हैं यानी कि महाकाल को। जमीन से करीब 25 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं ऊपर पहाड़ पे, है ना भैया? और 25 किलोमीटर ऊपर देख सकते हैं कितना दुकानें लगी हुई है, काफ़ी अच्छा लोकेशन है। क्या बोल रहे सर? 130-150 किलोमीटर लगभग हाइट पे है। और चलिए दोस्तों, आप लोग को भी लाइव दर्शन कराते हैं। और ये देखिए दोस्तों, रास्ते में भी मेरे भाई लोग प्रसाद ले रहे हैं। अच्छा, नीलकंठ भगवान को जल चढ़ाने जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा। ये मेरे भैया सतन भैया आर्मी के जवान हैं, इनके लिए स्पेशल VIP कोटा लगता है, पर आज लगा नहीं क्योंकि कार्ड इनका छूट गया था घर में, है ना भैया? कौन कार्ड? IDL कार्ड। जय महाकाल। तो गाइस, कुछ ही देर में बाबा का दर्शन करेंगे और आप लोग को भी कराएंगे। ये देखिए दोस्तों, लाइन, लंबी लाइन कतार में, हम लोग भी CCTV कैमरे के सामने हैं और पीछे आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी लगी हुई है। गाइस, एक एक करके आप लोगों को घर बैठे दर्शन कराऊंगा मैं। और सबसे फर्स्ट में हम जिस मतलब देवता के पास जाएंगे, आप लोगों को दर्शन कराएंगे। देखिए यहाँ पे सिद्धि समाधि एक और मंदिर है और वहाँ पे भी दर्शन कराने का आप लोग को प्रयास करते हैं।